हाय गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ अंडर 30 के कौन से स्मार्टफोन्स आप लोगों के लिए बेस्ट होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को तीन स्मार्टफोन बताऊंगा, जिसमें से एक स्मार्टफोन गेमिंग के लिए बेस्ट होगा और एक स्मार्टफोन कैमरे के लिए बेस्ट होगा और एक स्मार्टफोन ऐसा होगा जो गेमिंग भी करवा सकता है और आपको कैमरे भी मस्त मिलेगा। वो जो स्मार्टफोन होगा वो हम लोगों को एकदम लास्ट में देखने के लिए मिलेगा, मतलब मैं आप लोगों को 1, 2, 3 बताऊंगा और जो नंबर 3 वाला स्मार्टफोन होगा वो हमारा बेस्ट स्मार्टफोन होगा। वैसे तो सारे स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं, बट यहाँ पर मैंने इन लोगों को मतलब कुछ चीज़ें देख के रैंक की हुई है। पहले आप लोग अपनी नीड समझ लेना, उसके हिसाब से मतलब आप इन स्मार्टफोन्स को अपने हिसाब से रैंक कर लेना और जो आप रैंक करना वो भी आप नीचे कमेंट में बता देना कि आपके हिसाब से ये स्मार्टफोन्स मतलब कहाँ कहाँ पर होने चाहिए। हमारे हिसाब से जो नंबर 3 वाला स्मार्टफोन होगा वो हमारा मतलब बेस्ट स्मार्टफोन है और जो नंबर 2 वाला है फिर वो उसके नीचे, फिर वो नंबर 1 वाला इसके नीचे। मैं आप लोगों को लाइन से बताऊँगा, तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो गाइस, हमारे लिस्ट का जो नंबर 1 वाला स्मार्टफोन है ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है। मतलब अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो आप इस फोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इस फोन का नाम है पोको F5। अब ये जो स्मार्टफोन है ये मतलब अपने साथ काफी अच्छे स्पेक्स भी लेके आता है। तो अगर हम लोग इसके डिस्प्ले की बात कर लें, इसमें आपको एक 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड 120 हर्ट्ज वाला 12 बिट पैनल देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो डिस्प्ले है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा तगड़ा डिस्प्ले है, जब आप इसमें गेमिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, मतलब इसके डिस्प्ले से आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। जब आप इसमें गेमिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। मतलब इस फोन में आप काफ़ी तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। जब वहाँ पर आप गेमिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस मिलेगी, काफ़ी मतलब तगड़ी सेटिंग्स में आप इसमें गेमिंग वगैरह कर सकते हो और इसी वजह से मैंने इसको गेमिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में रखा है। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 64+8+2 मेगापिक्सल का सेटअप मिलेगा विद OIS। अब OIS जिसको नहीं पता है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। मतलब ये आपकी इमेज और वीडियोस वगैरह को स्टेबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब इससे आप फ़ोन को मतलब हिलाओगे और वीडियोस वगैरह बनाओगे तो वहाँ पर आपकी वीडियो ज़्यादा नहीं हिलेगी। और फ्रंट में आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैटरी में आपको 5000mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करने के लिए 67W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। मतलब यहाँ पर आपको इसमें बैटरी भी तगड़ी मिलती है, प्रोसेसर भी तगड़ा मिलता है और इस फ़ोन का हमारे हिसाब से जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका प्रोसेसर। मतलब इसीलिए ये गेमिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में है, क्योंकि गेमिंग करने के लिए प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले भी अच्छा मिलता है और प्रोसेसर भी अच्छा मिलता है, बैटरी भी ज़्यादा मिलती है और इसी वजह से इस स्मार्टफोन को मैंने गेमिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में रखा हुआ है और इस स्मार्टफोन से आप काफ़ी तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। और हमारी लिस्ट का जो नंबर 2 वाला स्मार्टफोन है ये एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। मतलब अगर आपको कैमरे के लिए स्मार्टफोन चाहिए, मतलब आपके लिए आपकी प्रायोरिटी कैमरा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इस फ़ोन को आप कंसिडर कर सकते हो। ये आता है OnePlus की तरफ से, इसका नाम है OnePlus Nord C3। अब ये जो मतलब अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अब ये जो स्मार्टफोन है ना ये मतलब अपने साथ काफ़ी अच्छे स्पेक्स भी लेके आता है। डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसमें आपको एक 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड 120 हर्ट्ज वाला पैनल देखने के लिए मिलेगा। मतलब इसमें डिस्प्ले भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, इसमें मीडिया वगैरह देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्रोसेसर की बात कर लें तो इस फ़ोन को ताकत देता है स्नैपड्रैगन का 782G वाला चिपसेट। मतलब ये जो चिपसेट है ये आपको काफ़ी मतलब ठीक ठाक गेमिंग भी करा देगा। कैमरे में आपको 50+8+2 मेगापिक्सल का रियर सेटअप मिलता है विद OIS और वहीं पर सेल्फी में आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसका रियर कैमरा तो तगड़ा है, लेकिन इसमें जो मतलब सेल्फी कैमरा है वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा। बैटरी में आपको 5000mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करने के लिए 80W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। मतलब इसकी बैटरी भी यहाँ पर काफ़ी तगड़ी है, दिन भर आपकी बहुत आराम से चल जाएगी और इवन अगर आप मतलब कम यूज़ करोगे तो शायद ये 1.5 दिन 2 दिन भी चल जाए। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। मतलब अगर आप अपने लिए कैमरा वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, आपकी प्रायोरिटी पहले कैमरा है, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इस फ़ोन का कैमरा काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। अब बारी आती है हमारे लिस्ट के नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की। अब ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको कैमरा भी तगड़ा मिलता है, परफॉर्मेंस भी तगड़ी मिलती है, डिस्प्ले भी तगड़ी मिलती है,
मतलब इसमें काफी आपको काफी सारी चीजें तगड़ी मिलती है। देखा जाए तो ओवरऑल ये फोन ही तगड़ा है, इसीलिए तो नंबर 3 पर है। और हाँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो नंबर 3 वाला स्मार्टफोन है यही इन दोनों से अच्छा है, मतलब ये नंबर 1 वाला स्मार्टफोन है, आप ये समझो। मैंने आपको बताया 1-2-3 करके, बट यहाँ पर 3-2-1 करके आप समझ लो। अब इतना तो आप समझ ही लो क्या क्या बताएं। ये जो स्मार्टफोन है ये आता है हमारे सैमसंग की तरफ से। इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। अब ये जो स्मार्टफोन है ये अपने साथ काफी तगड़े स्पेक्स लेके आता है। बात करें सबसे पहले डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको 6.4 इंचेस का डायनेमिक एमुलेट 2x 120 हर्ट्ज वाला पैनल देखने के लिए मिलेगा। मतलब इसका डिस्प्ले काफी तगड़ा है। जब इसमें आप मतलब वीडियोस वगैरह देखोगे, गेमिंग वगैरह करोगे, तो वहां पर आपको जो कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए मिलेगा, काफी ज्यादा मतलब आपको मजा आएगा। इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा तगड़ा है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 888 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपको काफ़ी तगड़ी गेमिंग भी करा देगा। मतलब इसमें आप गेमिंग भी काफ़ी तगड़ी कर सकते हो, और अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो फिर प्रोसेसर तगड़ा है ही। कैमरे की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। वहीं पर आपको सेल्फी में एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मतलब इसका कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, जिससे आप कुछ इस तरह की फोटोज़ वगैरह क्लिक कर पाओगे। बैटरी में आपको 4500 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करने के लिए 25 वोल्ट के चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो फ़ोन तो काफ़ी तगड़ा है, लेकिन यहाँ पर इस फ़ोन के मुझे बैड पार्ट ये लगा कि इसमें आपको चार्जिंग कम मिलती है। मतलब यहाँ पर खाली आपको 25 वोल्ट का चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। तो ये थे हमारी लिस्ट के टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30 के। वैसे आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आया आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, और आप लोग ये भी बता देना कि ये स्मार्टफोन मतलब आपके हिसाब से कैसे रैंक होने चाहिए। एंड आपका जो भी फीडबैक वगैरह हो आप नीचे कमेंट कर देना। एंड इतने दस वाली वीडियो में आई होप कि वीडियो आप लोग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय।